बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान, और एवरी संडे इतवार की शाम 8 बजे आपके लिए लेकर आती है ख़ास प्रोग्राम, जो कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर इस्लामाबाद के ऊपर बनाया जाता है। प्रोग्राम का नाम है इस्लामाबाद डायरी, और एक घंटे में हम कोशिश करते हैं कि आपको हम इस्लामाबाद की खूबसूरत जगहें दिखाएँ, इसके बारे में आप जानें। अगर आपने यहाँ तक ट्रैवल नहीं किया और आप प्लान कर रहे हैं, तो इस खूबसूरत से दारुल खिलाफा में ज़रूर चक्कर लगाएं। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, एक बात और बता दूँ कि हम कोशिश ये भी करते हैं कि जो आपका फ़ीडबैक हमें मिलता है, जो हमें आप बताते हैं कि जी इन जगहों पर जाएँ, हमें ये फ़ूड दिखाएँ या लोगों से मिलाएँ, तो हम कोशिश ये भी करते हैं कि हम उसको सामने रखें और नेक्स्ट प्रोग्राम उसके मुताबिक डिज़ाइन करें। डिज़ाइन से मुझे याद आया, मौसम का डिज़ाइन चेंज हो गया है, यानी कि इस्लामाबाद में बाहर की आमद आमद है। इस्लामाबाद वैसे ही बड़ा मशहूर है इस हवाले से कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, पार्क्स बहुत हैं। जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक ऐसे सेक्टर में, जो कि पूरा का पूरा कि पूरा सेक्टर तकरीबन 360 एकड़ पे फैला हुआ ये सेक्टर है, जिसका नाम उन्होंने F9 पार्क रख दिया है। यानी कि इस पूरे सेक्टर को उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया नहीं बनाया, बल्कि यहाँ पे उन्होंने पार्क बनाया है, जिसको हम F9 पार्क या फातिमा जना पार्क भी कहते हैं, जो कि आज से तकरीबन 30 साल पहले 1992 में बनाया गया था। और ये न्यूयॉर्क के सेटल पार्क से है तो छोटा, लेकिन डिज़ाइन उसी के ऊपर रख के इसको बनाया गया है। आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, कुछ खाने पीने की भी चीज़ें होंगी, कुछ आर्ट, कुछ क्राफ्ट और टैलेंट की बात भी होगी। तो आइए इस्लामाबाद डायरी के एक और ख़ास एपिसोड का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो तख्लीक के सफ़र को जारी रखिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढिए, और फिर जब आपको रास्ता मिल जाए तो उस पर निकल खड़े होइए। उम्मीद है कि इस्लामाबाद डायरी का ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपने कौन सी जगह देखनी है, किससे मिलना है, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। तो मिलेंगे जनाब नेक्स्ट संडे को 8 बजे आपके फेवरेट टीवी चैनल K2 पे। तब तक के लिए और इसके बाद भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।